रांची पटना के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार। अब इतने घंटे में होगा सफर तय। रांची से पटना के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार हो गया है। वाया बरका काना, हजारीबाग, कोडरमा, इस नई रेल लाइन के जरिए रांची से पटना के बीच की दूरी 13 की जगह अब 11 घंटे में तय हो सकेगी। रांची पटना के बीच चलने वाले ट्रेनों को अब गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। बरकाकाना से ही सीधे हजारीबाग, कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएंगी। गौरतलब है कि नवनिर्मित सिद्धवार सांकी 27 किलोमीटर रेलखंड पर 18 नवंबर को सफलतापूर्वक इंजन का ट्रायल रन किया जा चुका है। इस रेलखंड में 4 टनल, 32 मोड़ और 5 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। ये रेल रूट का होगा उद्घाटन जल्दी ही। इस संबंध में रांची रेल मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि फिलहाल रांची मुरी बरका काना रूट पर जो ट्रेनें चल रही हैं, उन्हें कुल 118 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। नई लाइन रांची बरका काना की दूरी महज 75 किलोमीटर रह जाएगी। ट्रेनों को 43 किलोमीटर कम यात्रा करना पड़ेगा। इस नए रेल रूट का उद्घाटन जल्द होगा। 64 किलोमीटर का सफर बेहद रोमांचक होगा। नए रेल रूट पर टाटी सिलवे से बरकाकाना तक 64 किलोमीटर का सफर बेहद रोमांचक होगा। यात्रियों को बड़े हिल स्टेशन जैसे दृश्य देखने को मिलेंगे। अंधेरी सुरंगों के बीच से गुजरती ट्रेन, उसके बाद ऊंची पहाड़ियाँ और खूबसूरत वादियाँ यात्रियों को रोमांचित करेंगी। नई रेल लाइन 3 सुरंगों से होकर गुजरेगी। सुरंगों से निकलने के बाद ट्रेन 2 पहाड़ियों के बीच बनने वाले पुल से होकर गुजरेगी। टनल 1 की लंबाई 600 मीटर है, टनल 2 की लंबाई 1080 मीटर है, वही टनल 3 की लंबाई 600 मीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान में रांची पटना ट्रेन मुरी के बाद पश्चिम बंगाल के झालदा व कोटशिला से बोकारो, गोमो, कोडरमा होते हुए पटना जाती है।